बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं एक और वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। और इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ CS507 की GDB का सलूशन शेयर करूँगा। तो वीडियो की तरफ और सलूशन की तरफ जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुँचती रहे। और इसके साथ आपके पास अगर आप चैनल ओपन करें तो यहाँ पे आपको फीचर चैनल के अंदर एक चैनल का लिंक नज़र आ रहा होगा, इसको भी आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये भी हमारी टीम का चैनल है और इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर बहुत जल्द हम शॉर्ट लेक्चर्स आपके स्टडी कोर्स के हवाले से अपलोड करने वाले हैं। तो आप लोगों ने इसके ऊपर 2 वीडियोज़ अपलोडेड हैं ऑलरेडी, साइकोलॉजी के रिलेटेड हैं, उनको देखने और कमेंट करने हैं कि जो है ना फर्स्ट कौन से सब्जेक्ट के हम लोग लेक्चर्स रिकॉर्ड करके अपलोड करें। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है तो आपने कमेंट करके बताना है कि सबसे पहले किसकी जो है ना किस सब्जेक्ट का शॉर्ट लेक्चर्स आपको चाहिए। चलते हैं वीडियो की तरफ। जी दोस्तों, हम लोग अपनी स्लाइड की तरफ आ चुके हैं और इस GDB का मैंने क्वेश्चन भी लिखा हुआ है और इसके सॉल्यूशन भी आपको इंशाल्लाह साथ साथ मिलेगी। तो क्वेश्चन CS507 GDB क्वेश्चन ओपन 24 और क्लोज 25 को है। क्वेश्चन है जी, द सिक्योरिटी थ्रेट्स टू द इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन बी कम्प्लीटली अवॉइडेड बाय इनक्रिप्टिंग द ट्रैफिक। अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिक्योरिटी कंट्रोल्स ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम suggest if the above statement can be considered true or false, you need to justify your answer in either case in 3 to 4 lines maximum। क्वेश्चन के अंदर कहते हैं जी, जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनको इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनको ट्रैफिक इनक्रिप्ट करके बचा जा सकता है। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप कि अपनी राय क्या है, अपने नॉलेज के हिसाब से आपने हमें बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट को दुरुस्त माना जा सकता है या फॉल्स है। तो इसके सॉल्यूशन मैंने कुछ तैयार किया है अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। तो आपसे गुजारिश है, इल्तमास है, रिक्वेस्ट है कि आपने इससे जस्ट आइडिया लेना है और इंटरनेट वेबसाइट भी सर्च करना है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आपने अपना सॉल्यूशन खुद तैयार करना है। ये एक जस्ट आइडियल सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सिक्योरिटी थ्रेट्स टू इंफॉर्मेशन कैन बी मैनी सच एज सॉफ्टवेयर अटैक्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज थेफ्ट और इंफॉर्मेशन सबोटाज एंड इंफॉर्मेशन एक्सट्रॉशन। थ्रेट्स कैन बी एनीथिंग दैट थ्रेट टू ब्रीच सिक्योरिटी एंड कैन बी यूज नेगेटिवली टू रेज डैमेज चेंज ऑब्जेक्ट और सॉरी सब्जेक्ट लिखना था यहाँ पे ऑफ इंटरेस्ट। As for my understanding of the security controls of the information system is concerned, the above statement can be misunderstood as its present encryption. A source of cyber security protection along with limited traffic, there are many types of encrypted threats. One category includes risk such as certificate weakness. In this case, when you are chatting with a site, you may see a warning message or a request on a browser screen stating that the connection is insecure or that its intent or unreliable. Second point, मैंने यहाँ पर cyber security के हवाले से लिखा हुआ है। Priorities cyber flexibility to meet the growing risk of cyberbullying as digital transformation and hyperconversion create uncreation doors for threats attacks and failures. A flexible cyber stage can help you combat cyber incident that disrupt your business. This can help you protect yourself from the from these threats, protect your important applications and data.
तो ये मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सलूशन तैयार किया है, उम्मीद है कि आपको इससे अच्छा खासा आइडिया होगा हो गया होगा। तो आप काइंडली हमारे चैनल दूसरे को भी विज़िट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि तमाम स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके और वो अपनी GDP बर वक्त सबमिट करवा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।